तो दोस्तों, हरिद्वार की हर की पौड़ी से हमारे नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं केदारनाथ की तरफ। सोनप्रयाग हमारा जो मेन अल्टीमेट स्टॉप रहने वाला है वो सोनप्रयाग रहने वाला है। तो अब हमारा यहाँ पर सबसे पहला जो मेन मकसद है वो है पार्किंग पे जाना और वहाँ से अपनी बाइक्स को लेना। उसके बाद रेडी रहेंगे और अभी यहाँ पर जो टाइम होने वाला है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वैसे 5 बज गए हैं, 5 बजे हम उठ गए थे। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो पार्किंग है। यहाँ पर काफ़ी सारी टू व्हीलर्स जो है वो खड़ी हुई हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग है। कम स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा व्हीकल जो है यहाँ पर खड़े रहते हैं और इसका प्राइस भी आई थिंक 20-30 रुपये रहा है। ये यहाँ पर इसका कुछ कार्ड मिलने वाला है आपको। ये यहाँ पर आप कार्ड देख लो, ये वाला रहने वाला है दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग। तो ऐसा आपको कार्ड मिलेगा जब भी आप अपनी बाइक को खड़ी करोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाइक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई हैं। हमने भी अपनी बाइक जो है वो यहीं पर ही खड़ी करी थी, अपनी तीनों चारों बाइक। ये यहाँ पर आप बाइक्स देख सकते हो। तो इन्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं, रेडी होते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे दिखाता हूँ मैं हम कहाँ की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सोनप्रयाग हमारा जो है अल्टीमेट डेस्टिनेशन रहने वाला है और उसे हम पूरा करेंगे यहाँ से 7 से 8 घंटे में, जो कि रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग से होते हुए हम सोनप्रयाग की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये हमारी बाइक्स हैं, जिसमें बुलेट है, अपाचे है, हॉर्नेट है, पल्सर 150 भी है। तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले अपनी बाइक की रीडिंग दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह के 5:11 हो रहे हैं और 185 किलोमीटर यहाँ से चल चुकी है। तो अब निकलते हैं आगे ऋषिकेश के लिए, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी को। यहाँ पर आप देख सकते हो ऋषिकेश 13 किलोमीटर है, कर्णप्रयाग 182 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 300 किलोमीटर है। तो अभी हमें कर्णप्रयाग की तरफ निकलना है, उसके बाद फिर आगे हमें सोनप्रयाग की तरफ निकल जाना है। तो अभी हम यहाँ पर ऋषिकेश को बाईपास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर इसके बाद ब्रिज के बाद गढ़वाल एरिया स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड का। तो उसके बाद जो है अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा देवप्रयाग का, जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं, अलकनंदा और भागीरथी। तो उसका भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। फिलहाल आगे निकलते हैं और कोशिश करेंगे हम कि कम से कम स्टॉप लें और फ्यूल ब्रेक ही लेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग चल रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट जहाँ करेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा और पेट्रोल कितना लग रहा है वो भी मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। फिलहाल अभी एक टैंक चल रहा है इसका अंबाला से, तो नेक्स्ट देखेंगे आगे कितना फ्यूल इसके अंदर लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आफ्टर 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर हमने ब्रेक लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 70-80 किलोमीटर के बाद चलाने के बाद, और 7:30 बज चुके हैं। पहाड़ों में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो यहाँ पर पानी पुनी पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद देवप्रयाग के लिए निकलते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो मेन हमारा स्टॉप रहेगा वो देवप्रयाग रहेगा।
इसके बीच में अगर हमें कहीं यहाँ खाने की अच्छी दुकान मिल गई, रेस्टोरेंट ढाबा कुछ मिल गया, तो हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी करेंगे, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं कराया और ब्रेकफास्ट का टाइम हो भी गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिल करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो देवप्रयाग जो है 28 किलोमीटर रह गया है, तो अभी जल्दी से पहुँचते हैं, फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये खड़ी हमारी बाइक। वहाँ से तो ये है देवप्रयाग। नहीं, देवप्रयाग है। तो ये यहाँ पर हम देवप्रयाग पहुँच गए हैं। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। अब यहाँ पर ये मेरे को नहीं पता कि कौन सी जो गंदा पानी है ये कौन सी नदी का है, और जो साफ पानी आ रहा है ये कौन सी नदी का है। आपको पता हो तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। लेकिन ये जो व्यू है ना, ये बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से, और रियल लाइफ में जब आप इसे देखोगे तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि ये कितना खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा जो है वो यहाँ से दिखता है। और ये यहाँ पर हमारे फ्रेंड हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बाइक हमारी और आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अब जाके यहाँ पर हमें एक ढाबा मिल गया था जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। अब तो देवप्रयाग हमने क्रॉस कर दिया है, तो अब यहाँ पर हमारा मेन स्टॉप रहने वाला है वो कर्णप्रयाग रहने वाला है। उसके बाद फिर हम केदारनाथ की तरफ, सोनप्रयाग की तरफ निकल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, आलू पराठा और सब्जी, और उसके बाद रायता। तो यहाँ पर चाय भी हमने ले ली थी। तो यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकलते हैं, उसके बाद बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बार टैंक फुल होगा बाइक का, तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून, बने रहो चैनल के साथ। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया है, उसके बाद अब निकलते हैं आगे की तरफ। बाइक यहाँ पर रेडी है, पल्सर, हॉर्नेट, यहाँ पर ये सामान यहाँ पर प्रॉपर बंजी कॉर्ड से बांध दिया है। ये है अपाचे, इसका भी सामान रेडी है प्रॉपर। और उसके बाद पीछे यहाँ पर ये बुलेट खड़ी है, तो ये भी रेडी है। तो अब यहाँ पर हम सारे रेडी होके निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो यहाँ पर ये बाइक का पेट्रोल फुल हम करवा देते हैं। तो देखो 1650 रुपये का पेट्रोल जो है आया है, जिसमें से 600 का हॉर्नेट में और ऑलमोस्ट 1200 रुपये का अपाचे के अंदर आया है। तो ये सेकंड टाइम टैंक फुल हुआ है इसका, अभी यहाँ पर धीरे धीरे करके रीडिंग आ जाएगी। और 300 किलोमीटर यहाँ पर ये चल चुकी है, तो अब उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टैंक फुल जो है कब होगा।
फिलहाल यहाँ पर टाइम है, आप देख सकते हो 9:30 हो रहे हैं और 301 किलोमीटर ये चल चुकी है अम्बाला से। तो थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा था इसके अंदर, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से टैंक फुल करा लिया है। अब निकलते हैं आगे के लिए और देखते हैं कहाँ हम रुकते हैं। हम यहाँ पर श्रीनगर के आसपास पहुँचने वाले हैं। 33 किलोमीटर श्रीनगर है और 62 किलोमीटर जो है वो रुद्रप्रयाग है। वहाँ से एक रास्ता कटेगा केदारनाथ के लिए और एक कटेगा जोशीमठ बद्रीनाथ के लिए। तो हमें जाना है केदारनाथ की तरफ, अगस्त मुनि की तरफ। तो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये हम यहाँ पर श्रीनगर पहुँच चुके हैं और इसके बाद जो है वो रुद्रप्रयाग ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। तो ये मेन मार्केट है श्रीनगर की, यहाँ पर ट्रैफिक रहता है तो स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाती है, एवरेज स्पीड। लेकिन ये कि यहाँ से ये मार्केट भी थोड़ी सी बड़ी है, अच्छा खासा मतलब डिस्टेंस है श्रीनगर का जब आप इसे क्रॉस करोगे। तो यहाँ से क्रॉस करते हैं आगे, उसके बाद रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर हम रुद्रप्रयाग पहुँच गए हैं। यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक तो आप डायरेक्ट बद्रीनाथ जोशीमठ की तरफ जा सकते हो राइट साइड पे, और एक लेफ्ट साइड की तरफ जाके आप गौरीकुंड और वो अगस्त मुनि और केदारनाथ सोनप्रयाग इसकी तरफ जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो केदारनाथ 80 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और उसके बाद फिर गौरीकुंड और वो अगस्त मुनि जो है वो भी यहीं से ही आप जाओगे। और यहीं पर ही सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा सबसे पहली बार। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, और यहाँ पर ये डायरेक्ट और स्पेसिफिक बोल रहे थे कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे थे स्पेशली 4 व्हीलर्स का, 2 व्हीलर्स को ये फिर भी जाने दे रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन 4 व्हीलर को स्ट्रिक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक करके ही जाने दिया जा रहा था। और 2 व्हीलर हमारा भी यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन चेक किया था, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। रुद्रप्रयाग से जब भी आप नीचे जाओगे तो आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चेक होगा, तो वो ज़रूर करवा लेना आप। तो यहाँ पर हम आगे आ गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो अगस्त मुनि 11 किलोमीटर है, गुप्तकाशी 39 है, फाटा 53 और गौरीकुंड 71 किलोमीटर। तो ये रूट अब जाएगा, यहाँ से रोड थोड़े से ख़राब हो जाते हैं और सिंगल टाइप के ही रोड चलेंगे, मतलब उससे पहले तक उत्तराखंड के बहुत बेहतरीन रोड चले हैं, लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर रोड की क्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर रोड जो है वो फिर भी बहुत बढ़िया हैं, अगर आप केदारनाथ तक जा रहे हो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप डिस्टेंस कवर कर लोगे। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं हम आगे कहाँ रुकते हैं। तो ये हम अब ये रुके हैं कहीं बीच रास्ते में, यहाँ से केदारनाथ 60 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो उखीमठ में। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस प्लेस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है उखीमठ, तो यहाँ पर हम उखीमठ में रुके हुए हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सुबह 5-6 बजे से चला रहे हैं बाइक और मज़ा पूरा आ रहा है, बहुत तगड़ा नज़ारे आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है।
चलाने में काफ़ी मज़ा आता है बाइक्स। तो यहाँ पर ये हमारे सारे ग्रुप है, तो यहाँ पर हम पानी पुनी पीते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि अभी 60 किलोमीटर अभी हमें और चलना है सोन प्रयाग तक, फिर उसके बाद देखते हैं आगे रास्ता कैसा मिलता है। तो अच्छा खासा 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद अब हम दोबारा निकल चुके हैं। अब हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर जाना है और उसके बाद हम सोन प्रयाग पहुँच जाएंगे। तो फटाफट यहाँ से रास्ते में निकलते हैं, और रास्ते में हमें बारिश भी देखने को मिली थी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून, बने रहो हमारे साथ। सोन प्रयाग जाते हुए ये हमारा लास्ट स्टॉप है यहाँ पर, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई है 1-1.5 घंटा, तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ गया था। यहाँ से सोन प्रयाग 10-15 किलोमीटर रह गया था, तो यहाँ पर रेस्ट करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ा बहुत रास्ते में दिखा के आपको, फिर सीधा डायरेक्ट सोन प्रयाग में। और बाइकों पे आए हैं, और मैं बाइक आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये नीचे जो है ये बाइक खड़ी है हमारी, ये भी ये सारी। चलो पहुंच चुके हैं यहाँ, देखो बाइक चला चला के हाथों की कंडीशन देखो एक बार। तो ये अब हम यहाँ पर सोन प्रयाग की मेन मार्केट में हैं। यहाँ से कमर्शियल व्हीकल्स को आगे नहीं जाने दिया जाता, 2-व्हीलर सिर्फ आगे जा सकते हैं। और ये पीछे जो आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है, कम से कम भी 7 से 8 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। और यहाँ से ये नीचे सब प्राय कमर्शियल व्हीकल्स को सारे को नीचे यहाँ पर भेज देते हैं। ये एक बस स्टैंड भी है और पार्किंग भी है 4-व्हीलर्स के लिए। 2-व्हीलर्स को आगे गौरीकुंड तक जाना अलाउड है, वहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप उसे देखोगे जब हम केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर, हमने ये होटल लिया है, 7,000 रुपीज़ का हमें ये होटल पड़ा। बहुत महंगे होटल्स हैं यहाँ पर, खासकर सोन प्रयाग में, इससे आगे होटल सस्ते हो जाते हैं। और आप यहाँ पर देखो जाम की कंडीशन, बहुत लंबा जाम लगा हुआ था जब हम आए थे,
टू व्हीलर होने का ये खास फ़ायदा है। तो ये पार्ट जो है वो यहीं तक है, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें केदारनाथ की पूरी यात्रा होने वाली है, थोड़ा सा लंबा होगा। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।